इक्वेशंस इन कुछ भी कह सकते हैं या लीनियर इनइक्वालिटीज, तो ये चारों इनके लिए नेम है। कॉन्स्ट्रेंट्स हो गए, वैसे हम इनके लिए जो ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉन्स्ट्रेंट्स। ये कहा जाता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। तो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस, दीज आर द लिमिटेशंस, ओवरराइडिंग कंडीशंस, कुछ भी आप इनको कह सकते हो। इसमें जो हमारे जो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दीज आर द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस की वैल्यू जो है इनकी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दीज आर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस और नॉन नेगेटिव यू कैन से कॉन्स्ट्रेंट्स। और अगेन जो इसमें एक्स और वाई है हमारे, दीज आर कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल्स। जो इसके वेरिएबल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके बेसिस पे जो है हमें पता लगती है कि हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, या किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो मिल रही है। उसके बाद जिस प्रॉब्लम को आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमल, ऑप्टिमम, ऑप्टिमाइज जहां वर्ड आ गया इट मींस दैट इज रिलेटेड टू मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के साथ वो रिलेट कर रहा है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मींस जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। और ऑप्टिमल वैल्यू की अगर बात हो रही है तो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, या मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ये वही हो गई आपकी, जिसको आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी कह सकते हो। उसके बाद कल आपको मैंने एक ग्राफ बना के दिखाया था, तो ग्राफ में हमारे पास क्या था कि इस तरीके से हमने एक रीजन फाइंड आउट किया था, जिसके मैंने आपको कहा था कि ये जो चार पॉइंट्स बनेंगे, थ्री भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जो ग्राफ है वो किस तरीके से है। तो जहाँ पे कोई दो आपकी जो है इनइक्वालिटीज जिनसे लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो, जहाँ पे भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, चाहे वो एक्सिस के साथ ही इंटरसेक्ट कर रही हो, इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लेते हो एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द कॉर्नर पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कि जो ये वाला रीजन है, दिस वन इज द फिजिबल रीजन, बाउंडेड है, क्योंकि अगर मैं इसके आसपास एक सर्कल बनाऊं तो सर्कल के अंदर ये सब कुछ आ रहा है, या आप ये कहो कि हर तरफ से ये बंद है, तो दिस वन इज अ बाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड हम नहीं करेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी कौन कौन से आपने छोड़ देने हैं। तो ये वाले आपका बाउंडेड रीजन आ गया। उसके बाद जो आपके हैं, अब इस रीजन में जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं प्लस जो इन लाइंस के ऊपर आपकी वैल्यूज आ रही हैं, ये सब जो है हमें फिजिबल सॉल्यूशन देंगे। रीजन आपको पता है दैट यू हैव ऑलरेडी डन, दिस इज द फिजिबल रीजन जो इनका कॉमन सॉल्यूशन होता है, और फिजिबल सॉल्यूशन भी कहते हैं हम। तो इस मतलब रीजन के अंदर, फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग दीज लाइंस, इन पे जितने भी आपके पॉइंट्स बन रहे हैं दे ऑल गिव यू द फिजिबल सॉल्यूशन। यानी कि वी कैन से कि जो हमारा फिजिबल रीजन है उसमें वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बट अब क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि ऑप्टिमाइज करना है हमने उसको, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वो हमेशा इन पॉइंट्स पे बनती है जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो इसीलिए हम इसको जब डील करते हैं तो कॉर्नर पॉइंट्स के साथ डील करते हैं। उसके बाद जो पॉइंट्स इनमें बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं, फिजिबल रीजन से बाहर की तरफ, अगेन इनफाइनाइट पॉइंट्स विल बी देयर। तो ये सारे जो हैं आपके पॉइंट्स होते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, गिवन एलपीपी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इन कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो दे आर कॉल्ड इनफिजिबल सॉल्यूशंस। यानी कि जो इनफिजिबल रीजन में लाई कर रहे हैं दे आर कॉल्ड द इनफिजिबल सॉल्यूशंस। ये सारी थियरी जो है आई हैव सेंट यू, यू कैन रीड इट ओवर फ्रॉम देयर, तो आपको जो है वहां से ये इजी हो जाएगा समझना। उसके बाद क्या है कि क्योंकि हमारे पास जो है ये पॉइंट्स इनफाइनाइट बन रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए
हमने ये कॉर्नर पॉइंट मेथड जो है वो यूज करते हैं। क्वेश्चन भी आ जाता है इसका आपका 1 मार्क से रिलेटेड कि विच मेथड इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमल वैल्यू इन एन एलपीपी, तो दैट इज द कॉर्नर पॉइंट मेथड। कि कॉर्नर पॉइंट्स को हम यूज करते हैं, वी पुट दीज पॉइंट्स इन द जो भी हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है उसमें ये कॉर्नर पॉइंट्स हम पुट करते हैं, उसके बेसिस पे जो हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है दैट गिव्स अस द आंसर। तो जो मेथड है दैट इज द कॉर्नर पॉइंट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इस पे बेस्ड आपकी वही थ्योरम्स भी गिवन है, 1 जो है दैट इज द कॉर्नर पॉइंट मेथड ही उसमें यूज कर रहे हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स हम ले लेते हैं फिजिबल रीजन के। दिस इज योर थ्योरम 1 पेज नंबर 508 पे, दोज हु आर हैविंग द बुक्स, अदरवाइज जो नोट्स मैंने भेजे हैं यू कैन सी फ्रॉम देयर दैट पीडीएफ में दीज आर देयर। तो जब जो है आपका यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स आ गए तो यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये सेम चीज आपकी थ्योरम 1 में बताई गई है। देन थ्योरम 2 में उसने हमें कहा कि अगर जो है रीजन जो हमें गिवन है इफ दैट इज बाउंडेड, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसमें दोनों वैल्यूज होंगी मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों वैल्यूज जो है वो लाई करेंगी और हर वैल्यू चाहे वो मैक्सिमम है चाहे वो मिनिमम है दैट विल लाई ऑन द कॉर्नर पॉइंट। यानी कि जब हमारे पास एक बाउंडेड रीजन आता है तो इट मीन्स जो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अनबाउंडेड के केस में इट मे और मे नॉट, जो अब हमने नहीं करना है, बट अब जो आपका रह गया बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन में देयर विल ऑलवेज बी अ मैक्सिमम और अ मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम हो सकती है मिनिमम हो सकती है, दोनों में से एक तो जरूर होगी ही होगी। सो अब मूव करेंगे हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में सेम वे में जैसे आप चैप्टर नंबर 6 में ग्राफ्स ड्रॉ करते थे, इन द सेम वे यू आर टू ड्रॉ द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 ले रही हूँ मैं एक्सरसाइज 12.1 का। आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट ऑल्सो, इनइक्वालिटीज मैं लिख भी रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर गिवन सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है जेड को। जेड हमें क्या गिवन है, 3x+4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स x+y <= 4 x>= 0, दिस इज नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट, y> 0। ये दोनों कॉन्स्ट्रेंट्स आपके नॉन नेगेटिव हैं, इट मीन्स x और y की वैल्यूज आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपको पता है जब आपने ग्राफ्स प्लॉट करने हैं तो आप ये इनइक्वालिटी का साइन छोड़ देते हो और फिर इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हो। तो पहली इक्वेशन हो गई x+y = 4, आप इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर x 0 है तो y will be 4, y 0 है तो x will be 4। दूसरी लाइन क्या है, x = 0 यानी कि y एक्सिस हो गई, देन थर्ड y = 0 यानी कि x एक्सिस हो गई। तो अब आप इसको प्लॉट कर दोगे, 1 1 के डिस्टेंस पे हम ये मार्क्स ले लेंगे। सेम वे में हेयर आल्सो। अब जब x 0 है तो y 4 है आपका और y 0 है तो x 4 है। दिस इज द सेंटर, तो x 0 तो y 4 और y 0 तो x 4। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस लाइन की जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको इक्वेशन लिखनी है, इन इक्वालिटी नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो x+y = 4, दूसरा क्या है x = 0 यानी कि y एक्सिस। तो दिस इज योर x = 0 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर y = 0। अब हमने इनकी शेडिंग देखनी है किस तरफ बन रही है।
कंडीशन उसने क्या दी है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ऑरिजिन टेस्ट हम करेंगे, हमारी लाइन जो है जो ड्रॉ की हमने, दैट इज नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अगर वो लाइन ऑरिजिन से पास नहीं कर रही होती तो अब इसका सॉल्यूशन या इस साइड पे बनेगा या इस साइड पे बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि हमें इन इक्वालिटी क्या दी है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि लाइन के ऊपर पॉइंट लाई ना करे, लाइन के इस साइड पे या लाइन के इस साइड पे कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो। मैं क्योंकि ओरिजिन में से पास नहीं कर रही, जीरो से कैलकुलेशन इजी हो जाती हैं, तो ओरिजिन टेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज हम ये 0.10 या 1 1, ये 10 या 1 1 भी ले सकते हैं क्योंकि लाइन इन पॉइंट से भी पास नहीं कर रही। तो लाइन जो है वो प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, दोनों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट के आपने वो पॉइंट लेने हैं विच आर नॉट लाइंग ऑन दिस लाइन, ये ध्यान रखना है। तो फिलहाल मैं 0 0 ले रही हूँ, आप 10 भी ले सकते हो, 1 1 भी ले सकते हो, दैट इज योर विश। हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को इन जो इक्वेशंस हैं उनमें, इन इनइक्वालिटीज में पुट करके चेक करना है कि इनका रिजल्ट होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मेरी फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, मैंने पॉइंट क्या लिया 0 0। तो अब एक्स को 0 वाई को 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 विच इज ट्रू। जहां पे कंडीशन आपकी ट्रू हुई, इट मींस जिस साइड पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट लाइन के इस साइड पे लाई कर रहा है, तो हमने शेडिंग इस साइड पे कर देनी। देन सेकंड क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, तो एक्स 0 बड़ा यानी कि पॉजिटिव है, ये सारी साइड बनेगी, तो एरो इस साइड आ गया। देन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई 0 ये वाली लाइन है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आपकी शेडिंग इस तरफ आ गई। अब जब ये शेडिंग्स आप बढ़ा दोगे तो इनका कॉमन रीजन ये वाला बनेगा, हमने सिर्फ कॉमन रीजन लेके चलना है, तो दिस विल बी द कॉमन रीजन। नाउ यू कैन सी 3 पॉइंट्स आर देयर, कॉर्नर पॉइंट्स जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, वन इज दिस सेंटर, वन इज दिस पॉइंट एंड द अदर इज दिस। तो ये 3 हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बन गए, दिस इज 0 0, दिस इज 0 4 एंड दिस इज 4 0। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास है, यहाँ तक आपका सेम मेथड है दैट यू यूज टू डू इन योर प्लस वन, कॉमन रीजन आप निकालते होते थे। तो दिस इज योर फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन है ये, इसमें जितने भी सॉल्यूशंस हैं दैट आर कॉल्ड, जितने भी पॉइंट्स इसमें बन रहे हैं दैट आर कॉल्ड द फिजिबल सॉल्यूशंस, वो सब इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट वी नीड टू फाइंड आउट दैट पॉइंट विच गिव्स द मैक्सिमम जेड। तो मैक्सिमाइज करना है हमने जेड को, तो मैक्सिमम वैल्यूज जो है आपको जैसे बता दिया गया है दैट ऑलवेज लाई ऑन द कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाल लिए, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आए 0 0 0 4 and 4 0। अब z इज इक्वल टू, z क्या गिवन है 3x + 4y, तो z इज इक्वल टू 3x + 4y। अब x और y की ये वैल्यूज पुट करेंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी आर आंसर। तो 0 0 पुट करने पे z 0 आ जाएगा, 0 4 पुट करने पे दिस विल बी 16, 4 0 पुट करने पे दिस विल बी 12। 0 y 0 पुट किया तो 0 × 3 = 0, 4 × 0 = 0 दैट गिव्स यू 0। 0 4 पुट किया यानी कि x 0 y 4, x 0 ये 0 हो गया, y को 4 पुट किया तो 4 4 = 16, x 4 y 0 तो 4 3 = 12, 4 × 0 = 0 तो 12 आ गया। अब इन वैल्यूज को आपने कंपेयर करना है जो z की वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज में योर दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, मैक्सिमाइज करना था हमने उसको, तो हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं मैक्सिमम। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 4। तो ये आप लास्ट में लिख देना बेशक, मैक्सिमम वैल्यू इज 16 या जेड इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 4 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 16। 16 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और किस पॉइंट पे है, 0, 4 पे, यानी कि x 0 लेते हैं y 4 लेते हैं तो वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1।
यहाँ तक का जो फिजिबल रीजन था वो आपने किया हुआ है, प्लस वन का कंसेप्ट था। बस एक स्टेप आपका और आगे बढ़ा है इसमें कि आपने कॉर्नर पॉइंट्स ले लेने हैं। जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उनको आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा, जिसके साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इज इक्वल टू वाला होगा, जिसके साथ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज लिखा होगा आपका, तो आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है कॉर्नर पॉइंट्स वाली, और जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर मैक्सिमाइज कहा है तो जो वैल्यूज आई है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू ले लो, अगर मिनिमाइज कहा है तो वट एवर इज द मिनिमम वैल्यू दैट विल गिव यू द आंसर। सो ये था आपका कंसेप्ट इसका फॉर फाइंडिंग आउट द मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट। कोई भी डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन क्लियर गेट योर डाउट क्लियर। ओके फाइन, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में वी आर गिवन मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू -3x + 4y। यहाँ पे आ गया -3x + 4y, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। अब कॉन्स्ट्रेंट्स इसके चेंज्ड हैं तो अकॉर्डिंगली आपका ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। इसको हमने मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू -3x + 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। फर्स्ट कॉन्स्टेंट हमें गिवन है x + 2y < 8। सेकेंड कॉन्स्टेंट 3x + 2y < 12। देन x > 0, दीज आर द नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। x > 0, y > 0। अब सिंप्लीफाई करना है हमने, पहली इक्वेशन x + 2y = 8 ले लेंगे, सेकेंड इक्वेशन 3x + 2y = 12 ले लोगे। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है हमने, तो वी नीड द सॉल्यूशंस। x 0 तो y 4, और y 0 तो x = 8, और सेकंड x 0 तो y = 6, y 0 तो x = 4। अब इसका ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, 2 2 के गैप पे ले रही हूं मैं। एक दो हम यहाँ पे नेगेटिव शो कर देंगे, हालांकि जरूरत नहीं है उनकी हमें, बट स्टिल। चलिए अब ग्राफ जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, x 0 है तो y 4 है, x 0 y 4 यानी कि ऑन द वाई एक्सिस, एंड x 8 है तो y 0, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। लाइन की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, इनइक्वालिटी नहीं लिखनी है, दिस इज x + 2y = 8। अब सेकंड वाला हमने करना है, x 0 है तो y 6 है, और x 4 है तो y 0 है। ये इनइक्वालिटी है आपकी, 3x + 2y = 12। अगेन अब सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा है इसका। x + 2y < 8 हमें गिवन है, तो x + 2y < 8 में मैं अगर 0 0 पुट करती हूँ तो 0 < 8 विच इज ट्रू, तो इट मीन्स x + 2y = 8 वाली जो लाइन है मेरी उसकी शेडिंग इस साइड आएगी। सेकेंड क्या है, 3x + 2y, दिस इज < 12। ये वाली लाइन भी हमारी ओरिजिन में से पास नहीं कर रही है, तो 0 < 12, ये कंडीशन इसकी ट्रू है, तो अगेन जो ये वाली लाइन है इसकी शेडिंग भी इधर लाई करेगी। देन क्या था, x > 0 y > 0, दिस इज x > 0, दिस इज y > 0, तो जो आपका फिजिबल रीजन बनेगा वो
ऐसे बनेगा, क्योंकि इसकी शेडिंग भी नीचे, इसकी शेडिंग भी नीचे, इसकी ऊपर और इसकी राइट साइड पे, तो दिस विल बी द फिजिबल रीजन। अब कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, ये वाला क्लियर कट मुझे दिख रहा है, जीरो जीरो है एक, दिस वन इज जीरो फोर, दिस वन इज फोर जीरो। अब रह गया ये वाला, तो ये वाला फाइंड आउट करने के लिए ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, x प्लस टू वाई इक्वल टू एट का और 3x प्लस टू वाई इक्वल टू 12 का। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे। y का दोनों का कोफिशियंट सेम है, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, एक्स आ गया आपके पास टू। अब हमने वाई निकालना है, तो टू प्लस टू वाई इक्वल टू एट, टू वाई इक्वल टू सिक्स, वाई इक्वल टू थ्री, यानी कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी टू कॉमा थ्री। तो टू कॉमा थ्री क्योंकि आपकी परफेक्ट इंटेग्रल वैल्यूज हैं, तो इस केस में जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा ग्राफ पेपर के ऊपर, वहां से भी आपको डायरेक्ट जो है 2.3 सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जब ग्राफ में यू कैन सी कि परफेक्टली वो आपको इंटेग्रल वैल्यूज मिल रही हैं, तो यू कैन टेक द वैल्यूज डायरेक्टली, अदरवाइज आप इस तरह से उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यू विल फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया 2.3। अब z क्या गिवन है, माइनस 3x प्लस 4y, और इसको मिनिमाइज करना है, तो इट मींस z की सारी वैल्यूज हम निकाल के जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर आंसर। सो दिस इज माइनस 3x प्लस 4y। अब 0 0 पुट करो तो दिस विल बी 0, 0 4 पुट करोगे दिस विल बी 16, 4 0 पुट करोगे दिस विल बी माइनस 12, 2 और 3, 2 पुट करोगे तो माइनस 6, 3 पुट करोगे तो प्लस 12, तो दिस विल गिव यू +6। अब मिनिमाइज करना था, मिनिमम वैल्यू देखो कौन सी है, नेगेटिव वैल्यू हमें पता है सबसे छोटी होती है, तो -12 जो है दैट इज द मिनिमम वैल्यू। सो जेड इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 0, एंड मिनिमम वैल्यू इज -12। लास्ट में आपने अपना आंसर इस तरीके से जरूर लिखना है, जेड इज मिनिमम at 4.0 and minimum value is -12. So if any doubt is there in this question, then you can ask. Otherwise, एक और question हम इसमें करेंगे, question number 10 करेंगे। Deleted questions देख लो जो आपने नहीं करने हैं, that one is your question number 4, cross कर लो इसको, that you need not do. Question number 4, question number 6 and question number 9, क्योंकि ये अनबाउंडेड वाले बनेंगे आपके, तो यू नीड नॉट डू दीज। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड हो गया है क्वेश्चन, थर्ड फिफ्थ सेवेंथ एट्थ, ये फोर आपके होमवर्क पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब मैं डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, उसके बाद हमें कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन है। तो फोर क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 9 आर रिलेटेड टू अनबाउंडेड रीजन, तो वो आपके डिलीटेड पार्ट हो गए, तो यू नीड नॉट डू दैट। मैक्सिमाइज करना है z इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। फर्स्ट कॉन्स्टेंट गिवन है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, सेकेंड कॉन्स्टेंट हमें गिवन है माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, देन x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सेम चीज है कि x is greater than equal to 0 as well as y is greater than equal to 0. तो x comma y greater than equal to 0 means both of these are greater than equal to 0. तो first inequality को equation बनाएंगे, second वाली को equation बनाएंगे, and then इनका solution set find out करेंगे और फिर simplify करेंगे। x
एक्स जीरो तो वाई माइनस वन, और अगर y जीरो है तो x इज प्लस वन। अब यहां ध्यान से देखना, x जीरो तो y भी जीरो, जब आपके x और y दोनों जीरो जीरो आ जाते हैं तो उस केस में सेकेंड सॉल्यूशन में आपने ये नहीं करना कि y को दोबारा जीरो पुट करो, क्योंकि y को दोबारा जीरो पुट करोगे अगेन x विल ऑल्सो भी जीरो। तो जीरो 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 दैट इज रिप्रेजेंटिंग वन पॉइंट ओनली, एंड फ्रॉम वन पॉइंट यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस। वन पॉइंट से आपकी इनफाइनाइट लाइंस जो है वो पास हो सकती हैं, तो आपको जो इक्वेशन है वो नहीं मिलेगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी जीरो जीरो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपने जो है पॉइंट्स जीरो जीरो के अलावा कोई और नहीं लेनी है। अब यहां से अगर मैं इसको रीराइट करूं तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू y, तो कोई और पॉइंट ले लो, अगर मैंने x वन लिया तो y मेरा कितना आ जाएगा, दैट विल बी अगेन वन। अब इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, हां जी बच्चे, हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x माइनस y इज इक्वल टू माइनस वन है। ओके, लेट इट बी माइनस वन, तो ये पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा। जब हमने x को जीरो पुट किया तो y हमारा वन हो जाएगा, और जब y को जीरो पुट किया तो x माइनस वन हो जाएगा। नाउ इज इट ओके। अगला है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। चलिए अब वन वन के गैप पे हम ले लेंगे, एक्स जीरो तो वाई वन, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका जीरो कॉमा वन, एंड एक्स माइनस वन पे वाई जीरो, तो ये पॉइंट आ जाएगा। देन एक्स जीरो वाई जीरो, पहले इनको ज्वाइन कर दो ताकि लाइंस में कंफ्यूजन ना हो। दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। अब सेकेंड में क्या है, जीरो जीरो एंड वन वन, तो ये पॉइंट है आपका जीरो जीरो, और ये पॉइंट आएगा आपका वन वन। नाउ फर्स्ट वाली जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस वन। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये वाली जो मेरी लाइन है दैट इज नॉट पासिंग थ्रू जीरो जीरो, तो जीरो जीरो हम इसमें रख सकते हैं। जीरो इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, जीरो लेस देन नेगेटिव नंबर दैट इज फॉल्स। तो इट मींस जीरो जीरो इस साइड पे लाई कर रहा था, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो शेडिंग इस साइड पे लाई नहीं करेगी। इट मींस शेडिंग जो है वो ओपोजिट साइड पे लाई करेगी, क्योंकि इस कंडीशन को ये जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। सेकंड में वो क्या कह रहा है, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं लेंगे। वी आर टू टेक सम अदर पॉइंट, या लाइन के इस साइड पे हो या लाइन के इस साइड पे हो। तो मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ जीरो वन, जो लाइन के ऊपर वाली साइड पे लाए कर रहे हैं। तो एक्स जीरो और वाई वन, वन इज लेस देन जीरो, तो दिस यहाँ इक्वल टू का साइन हम हटा देंगे क्योंकि इक्वल नहीं है ये। सो वन लेस देन जीरो इज अगेन फॉल्स, यानी कि लाइन के इस साइड पे ये पॉइंट लाए कर रहा था तो इस साइड शेडिंग नहीं जाएगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो जिस लाइन के जिस साइड पे पॉइंट लाए कर रहा है, लाइन के इस साइड पे पॉइंट लाए कर रहा है, तो शेडिंग दूसरी तरफ जाएगी, तो लाइन की शेडिंग आ जाएगी इस तरफ। अब देखो मेरे पास ये दो लाइन है, दो में से एक की शेडिंग इधर जा रही है, यानी कि वो इधर वाली रीजन को सेटिस्फाई कर रही है, दूसरे की शेडिंग इस साइड जा रही है। इट मींस कहीं पे भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जहां पे इनकी जो है शेडिंग्स है वो ओवरलैप करेंगी, वो उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं बन रहा, तो देयर विल बी नो फिजिबल रीजन, सो द गिवन कॉन्स्टेंट्स हैव नो फिजिबल रीजन। अब क्योंकि इनका फिजिबल रीजन ही नहीं है तो देयर इज नो सॉल्यूशन,
अब सॉल्यूशन भी नहीं है तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू फॉर जेड. जेड को हमने मैक्सिमाइज करना था तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू फॉर जेड एज देयर इज नो सॉल्यूशन एज देयर इज नो फिजिबल रीजन. तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आया क्योंकि दोनों लाइन्स की जो हमारी शेडिंग थी वो ऑपोजिट साइड पे जा रही है और दोनों लाइन्स की शेडिंग क्योंकि ऑपोजिट साइड पे जा रही है और ऑलमोस्ट लाइन्स जो है वो पैरेलल लग रही हैं तो इसलिए लाइन्स का कोई भी फिजिबल रीजन नहीं आएगा. फिजिबल रीजन नहीं है मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है तो देयर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 and 8 आर योर होमवर्क पार्ट्स. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है और इसमें जो है आपकी दो मैक्सिमम वैल्यूज यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो दो पॉइंट्स पे सेम आएगी क्योंकि उसने क्या कहा है, शो दैट दिस अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स. तो वो दोनों की दोनों आपने लेके चलनी है. सो दिस एक्सरसाइज यू विल कंप्लीट योरसेल्फ विद दिस टुडे.